बंद रहेगी जब तक एसआई और संबंधित पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही हम लोगों का प्रदर्शन चलता रहेगा। कि एसएसपी महोदय स्वयं आकर के ज्ञापन ले और डीएम साहब स्वयं आकर के संज्ञान ले, लेकिन उनको नहीं पता है कि हम लोग वोट दे करके सरकार बनाते हैं। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे। ये सरकार ही हम लोगों के साथ ऐसा अत्याचार करवाती है। एक मैं डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो चूंकि अच्छे इंसान है, उनको समझना चाहिए कि एक पुलिसकर्मी उसकी ड्यूटी है कि वो मतलब शांत व्यवस्था लाइन ऑर्डर कंप्लीट करे। वही साला लाइन ऑर्डर का वो मतलब दुरुपयोग कर रहा है। ये कहीं की व्यवस्था है? लाइन ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं, लाइन ऑर्डर वो आकर के मारने लगे, ऐसे है? वो हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि हमको मारने के लिए है। इस पर तुरंत ही उसको दोनों को बर्खास्त किया जाए। विरोध जारी रहेगा और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये मऊ से वाला थाना कैंट में कुछ लोगों के द्वारा रंग खेला जा रहा था, वहाँ पुलिसकर्मी भी खड़े थे, तो पुलिसकर्मियों पर रंग पड़ गया था। उसके बाद कहा सुनी हुई थी, उसमें पुलिसकर्मी एक कांस्टेबल ने पब्लिक के साथ बदतमीजी करी थी, उसको लेकर के हमने सीओ से जांच रिपोर्ट मंगाई है। जांच रिपोर्ट में कांस्टेबल दोषी पाया गया है। कांस्टेबल और वहाँ उपस्थित दरोगा दोनों को निलंबित कर दिया गया है। और इससे जो कार्रवाई की मांग इन लोगों ने की थी, पब्लिक ने जो मुझसे भी मिले थे, तो दोनों को सस्पेंड करने के बाद दोनों लोग शांत हो गए। लोगों ने कहा ठीक है, ये कार्रवाई कर दी गई, उन पर न्यायपूर्ण तरीके से विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और जो सही होगा उसके अनुसार कार्रवाई उन पर कांस्टेबल और दरोगा पे की जाएगी।